हेलो एस्पिरेंट्स आई होप आपने इस वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल पढ़ा होगा सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव डिस्क्लेमर। आप में से जो भी बच्चे यूट्यूब पे रील्स देख के मोटिवेट होते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप कीजिए क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है वैसे भी आपका तो सिलेक्शन होने नहीं वाला तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जाइए अगर आप अभी भी इस वीडियो पे हो यानी आप सीरियस एस्पिरेंट हो आई एम श्योर आपने ये यू की थ्री मंथ स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस बहुत देखी होंगी बट ये वीडियो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एंड मेरे दोस्तों ने और मैंने इसे अप्लाई किया हुआ है ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ उन दोस्तों में से एक का एग्ज़ाम 2022 में निकला है एंड वो आईपीएस भी बन चुका है मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ मैंने चार फिल्म दी है तो 2020 मेरी फर्स्ट प्रीलिम्स थी जो कि कोविड के वक्त वाली एग्ज़ाम थी 2021 मेरी सेकंड थी इन दोनों में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था और 2022 में मैंने क्वालिफाई किया है 23 में मैं सी की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया नाउ आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ टू प्रैक्टिकली क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम इन थ्री मंथ सबसे पहली बात तो ये थ्री मंथ वाली चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि सीरियस एस्पिरेंट है एंड जिन्होंने एक्चुअल में बेसिक्स की पढ़ाई की हुई है मतलब आपको बेसिक चीज़ें पता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल्स आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन नहीं की हुई है तो मतलब आपको एग्जाम का बेसिक आइडिया है अब सोल्यूशन क्या है ये फ्रेमवर्क मैं इसको कहता हूँ एक्टर बी फ्रेमवर्क बी आप कुछ भी बोल सकते हो यार बच्चन बोल सकते हो तो क्या फ्रेमवर्क है लेट्स गेट इन टू इट सबसे पहली चीज़ अवॉइड। जब एग्ज़ाम पास आ रही है तो आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली अवॉइड करनी है ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी इन्हीं के कारण आप फेल हो गए प्रिलिम्स में ये कौन सी चीज़ है? ये ये चीज़ें है टेस्ट पेपर्स बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छा आपको ये तो पता है कि यूपीएससी बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट करता है जैसे कि सिविल सर्विस आईएएस, सीडीएस डी ई पी एफ ओ वग़ैरह तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ये कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स आप सीधे यू पी एस सी के पी वाई क्यू सॉल्व कीजिए इन एग्ज़ाम के एंड आपको फ़ायदा होगा कोचिंग का क्या होता है कोचिंग का बिजनेस होता है वॉल्यूम का तो उन्हें आपको दिखाने के लिए उन्होंने मान लो आपको हंड्रेड टेस्ट दे दी अब हंड्रेड टेस्ट का क्वालिटी बहुत ही ख़राब होता है क्यों क्योंकि उन टेस्ट को बनाने वाले बच्चे हमारे जैसे ही होते हैं एंड उन्हें पैसे पर क्वेश्चन मिलते हैं नॉट बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखोगे तो ये इतने टफ होते हैं कि यूपीएससी के अब्बा से भी सॉल्व ना हो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग फ्रिल्स हर बार क्वालीफाई करते हैं एंड हर बार मेंस में अटक जाते हैं तो प्रिल्स क्वालिफाई करने के लिए एक बेसिक टेक्निक आपको चाहिए होती है ये टेक्निक क्या है बेसिकली आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में पता चल जाता है यूपीएससी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है हर साल हर एग्जाम में उस पैटर्न को समझना है जैसे कि यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछेगा सेक्रेटेरिएट कहा है तो वो वाला स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा ऐसे फैक्ट यूपीएससी नॉर्मली गलत करता है सेक्रेटेरिएट कहाँ है या हेड क्वार्टर्स कहा है अगर यूपीएससी ने दिया होगा कि ये मिनिस्ट्री स्कीम की ये है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा तो ये सब टेक्निक्स आई है कॉमन ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर बार करेक्ट होती है तो इनसे आपका टाइम बचेगा तो मेन चीज़ क्या है आपको टेस्ट पेपर ऑफ कोचिंग अवॉइड करने हैं एंड फोकस ओनली ऑन पी वाई क्यू आपने जोग्रफी में कोर और पेरीफ्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ये कोर होता है ये पेरिफ्री होता है तो कोर यानी सिटी सिटी के आसपास डेवलपमेंट कैसे होता है यानी सिटी का सबसे पहले कोर एरिया डेवलप होता है एंड फिर उसके आउटस्कर्ट्स में पेरिफेरी में बाद में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है तो यू के सिलेबस का कोर है बेसिक्स या आप कह लो स्टैटिक्स ये स्टैटिक दस साल पहले भी वैलिड था और आज भी उतना ही वैलिड है लेकिन हम लोग क्या करते हैं करंट के पीछे भाग जाते हैं और करंट के पीछे भागने के कारण हमको ऐसा छटका लगता है एग्जाम में कि ये क्या पूछ लिया परेटो प्रिंसिपल के बारे में आपने सुना होगा परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है अगर इस एग्जाम के केस में लगाए तो ट्वेंटी परसेंट सिलेबस में से आपकी 80 परसेंट क्वेश्चन आएंगे ये परेटो प्रिंसिपल कहता है तो आपको सिर्फ 20 परसेंट यानी कि जो एकदम बेसिक्स है उसको मैक्सिमम रिवाइज करना है और लर्न करना है करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैगजीन्स आप कर सकते हो डेली न्यूज़पेपर अवॉइड करो डेली न्यूज़पेपर नहीं करना है मैंने आज तक न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाया फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई की क्योंकि अगर क्वेश्चन उनको पूछना है तो वो या तो बहुत टफ होगा या बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा और इजी वाले क्वेश्चन आपके जो मैगज़ीन होते हैं उसमें कवर हो जाते हैं अब आते हैं हम टूल्स की तरफ ए सी टी वाले टी तो टूल्स क्या है जैसे किसी भी काम को करने के लिए जैसे किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है वैसे ही इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको कुछ टूल्स चाहिए अब वो टूल्स क्या है तो वो टूल्स है आपके मेमोरी टेक्निक्स या उन्हें आप न्यूमोनिक्स भी बोल सकते न्यूमिक्स आपको पता होगा जैसे रेनबो का है विप लेकिन एक एडवांस मेथड भी होता है वो मेमोरी ट्रेनिंग करके एक कंसेप्ट होता है उसमें बहुत सारा विजुअलाइजेशन यूज होता है जैसे मैं इस चीज़ को यूज़ करता था तो मैं कोई न्यूमोनिक वर्ड्स का नहीं बनाता था मेरे ब्रेन में एक स्टोरी होती थी एंड वो हिंट होते थे कंट्रीज़ के नाम के लिए या मेंबर member, मेंबर्स के लिए जैसे मैंने इस चीज़ से जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बायोस्पेयर रिजर्व्स है ये सब लर्न किए थे कैसे लर्न किए थे जैसे नोकरे करके एक नेशनल पार्क है जो कि मेघालय में अब ये मैंने कैसे याद रखा था एक नौकर है जो कि घायल है क्योंकि जब मैं नौकर वर्ड सुनता हूँ तो मेरे ब्रेन में नौकर आता है एंड जब मैं घायल मेघालय सुनता हूँ तो मैं मेरे ब्रेन में घायल वर्ड आता है तो ऐसी ऐसी भी टेक्निक्स होती है इफ़ यू वॉन्ट दैन आई कैन इवन एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो उसके बाद कुछ ऐप्स है जैसे ड्रॉइड ये आपको रिविजन के काम आता है इसमें आप बेसिकली फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है एंड रीड करना है जैसे ही कोई भी करंट अफेयर्स में कोई भी आर्टिकल आए जैसे आर्टिकल वन टू थ्री या आर्टिकल वन फोटी टू तो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है ये किससे रिलेटेड है अगर आपको बेसिक्स भी पता होंगे ना जैसे कि प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल कौन सा है भले आपको ये नहीं पता हो उसमें क्या लिखा है या प्राइम मिनिस्टर की ओथ वाला आर्टिकल कौन कौन सा है तो इन सबसे भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है एंड उसको पढ़ना है अब रिकॉल ए सी टी आर तो ये आर वाला रिकॉल तो रिकॉल क्या रिकॉल मतलब हम लोग क्या करते हैं रिविजन के नाम पे अगेन उसको पढ़ते हैं एंड दूसरा क्या हम लोग टेस्ट सॉल्व करते हैं लेकिन टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि मान लो हमने दस टॉपिक्स पढ़े टेस्ट में उसमें से एक आएगा एंड वो भी उस तरह से नहीं आएगा जो हमने पढ़ा है तो एक्टिव रिकॉल क्या होता है आप डेलीब्रेटली रिकॉल करो मतलब जैसे अब नेशनल पार्क्स है तो आपको क्या करना है आपको लिस्ट बनानी है तो एक तरफ आपको लिखने हैं सभी नेशनल पार्क और दूसरी तरफ आपको बिना देखे उनके स्टेट्स लिखने हैं एंड वो भी शफल करे हुए तो ये होता है डेलिब्रेट रिविजन आपको खुद से ही सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आपको रिकॉल करना पड़े ए सी टी आर पी तो ये बैकअप क्या है आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे पास होते हैं एग्ज़ाम उसमें से मेजॉरिटी ये यूपीएससी का डेटा है मेजॉरिटी बच्चे ऑलरेडी सर्विस में होते हैं ऐसा कैसे यूपीएससी कुछ पार्शलिटी तो नहीं करता उनके साथ रीज़न है कॉन्फिडेंस और कामनेस मेरे एक टीचर ने हमें बताया था कि यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनर है ना यूपीएससी प्रीलिम्स का या यू इन जनरल वो आपका स्ट्रेस टेस्ट लेता है मतलब आपके सामने एकदम खराब सिचुएशन हो तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हो कई आप गलत डिसीजन्स ना ले लो तो यूपीएससी बेसिकली वही चेक करना चाहता है एंड जब लोग ऑलरेडी सर्विस में होते हैं तो वो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आते एंड इसीलिए इजीली पास हो जाते हैं तो बैकअप के लिए आपको क्या करना है पहली चीज़ अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड आपने वन ईयर सीरियस प्रेप किया हुआ है तो आपको कहीं पे जॉब करना स्टार्ट करना चाहिए ये नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो पीजी में एडमिशन ले सकते हो उसके लिए ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स देने होंगी बट वो एग्ज़ाम्स को ज़्यादा टफ नहीं होती आप एमबीए बी के एग्ज़ाम्स दे सकते हो आप यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हो आप स्टेट लेवल एग्जाम्स दे सकते हो लेकिन रिमेम्बर आपका बैकअप ये नहीं हो सकता आपका बैकअप ये नहीं हो सकता कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए दूसरी एग्जाम बैकअप रख रही हूँ आपका बैकअप होना चाहिए समथिंग सब्सटैशियल यूपीएससी अनसर्टन है तो आप दूसरी अनसर्टन एग्जाम को बैकअप नहीं रख सकते तो समथिंग सब्सटैंशियल मतलब पीजी वाली एग्जाम्स वो एग्ज़ाम्स में अगर कम मार्क्स भी आ गए तो खराब कॉलेज मिलेगा तो बैड मार्क्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसी एग्जाम्स में इनमें कोई कट ऑफ नहीं है कि आपको एक फाइनल ज्वाइनिंग के लिए इन एग्ज़ाम्स में कैसा है कि आपको अगर बैड मार्क्स भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा तो बस इतना ही था लेट मी समराइज आपको ये फ्रेमवर्क याद रखना है उसमें आपको आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको कोचिंग के टेस्ट पेपर्स अवॉइड करने हैं आपको कोर पे फोकस करना है यानी बेसिक्स दैट इज़ योर स्टैटिक्स और जो 10 साल पहले वैलिड था वो आज भी है आपको टूल्स पे फोकस करना है कौन से टूल्स है आपके मेमोरी टेक्निक्स हो गई फिर कुछ एडवांस मेमोरी टेक्निक हो गई एंड कुछ एंड कुछ एप्स हो गई इनको आप डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद रिकॉल आपको डेलीबरेट एक्टिव रिकॉल करना है फोस्ट रिविजन कह सकते हो आप इसे डेलीबरेट रिकॉल उसके बाद लास्ट आपको कोई बैकअप चाहिए बैकअप आपका क्या हो सकता है या तो आप कोई जॉब कर रहे हो या आपने कहीं पीसी में एडमिशन लिया हुआ है अगर आपका एक सीरियस अटेम्प्ट भी हो गया तो बैकअप पे फोकस कीजिए ऑल द बेस्ट